होली रंगों का, मौज मस्ती का, मेल मिलाप का त्योहार। होली छक्के पकवान खाने का त्योहार। जी हां, ये होली कुछ शुभ है क्योंकि फाल्गुन महीने में आने वाली ये होली इस बार बहुत सारे शुभ लाभ लेकर आ रही है। नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं पूजा कविया। शुभ होली की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि इस बार की होली कितने शुभ है, आपको कौन से रंगों से खेलना है, किन रंगों से आपको परहेज करना है और ज्योतिष के मुताबिक ये होली आपके लिए कितनी लाभदायक हो सकती है। ये सब बताने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है। मेरे साथ रंजना राणा जी हैं, ज्योतिषाचार्य। बहुत स्वागत है रंजना जी आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। तो आप देख रहे हैं साजो सज्जा के साथ हम भी होली के इस त्योहार को मनाने के लिए शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जब हम होली की बात करते हैं तो जानकारी ये लेना चाहेंगे कि होली का महत्व क्या है, होली हम क्यों मनाते हैं और होली मनाने से हम सबके जहन में जो खुशी का एक पर्व का उल्लास होता है वो क्यों होता है। रंजना जी, होली के पर्व का महत्व आखिर क्या है? देखिए, होली का महत्व ये है, जैसे कि हमारे और भी जितने भारतीय जितने भी त्यौहार होते हैं उसमें हमेशा यही दिखाई जाता है कि कैसे हमारी बुराई के ऊपर हमारी अच्छाई की हमेशा जीत होती रहती है। और ये होली दहन जो होता है, होली का दहन जो होता है उसमें यही दिखाया जाता है कि हमेशा बुराई का नष्ट होता है और हमेशा अच्छाई की जीत होती है। हमेशा हम देखते आए हैं हमारे जितने भी त्यौहार होते हैं। बिल्कुल, तो देखिए होली क्यों मनाते हैं, इसका महत्व क्या है, ये हम सुनते भी आ रहे हैं और हम होली मनाते भी आ रहे हैं, लेकिन होली के पीछे के महत्व को जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए रंजना जी से आज हमने ये जाना। साथ ही साथ अब हम जानना चाहेंगे कि होली में जो हम पूजा पाठ करते हैं उसका महत्व क्या है और वो किस तरीके से होना चाहिए, खासतौर पर होली के दिन, क्योंकि एक दिन पहले तो होली का दहन हो जाता है, उसकी पूजा विधि हम सब जानते हैं और वो करते भी हैं, लेकिन क्या रंजना जी ये जरूरी है कि होली वाले दिन भी हम अपने घर को पवित्र करें, हम पूजा पाठ करें? बहुत जरूरी होता है कि इस दिन भी हमको अपना घर एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए और इस दिन जैसे वास्तु के हिसाब से भी कई ऐसी चीजें हैं जिसको हमें अपनाना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे बंधनवार हमको जरूर लगानी चाहिए। अगर हो सके तो आप आम के पत्ते का लगा सकते हैं या अशोक के पत्तों का भी लगा सकते हैं। अशोक मतलब जो शोक से रहित हो, सो इस ये लगा सकते हैं। नहीं तो आप अच्छे सी जो बंधनवार है वो भी लाके आप लगा सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं घर में अगर आप एक कछुआ लेकर आ सकते हैं तो कछुआ जो होता है ये लॉन्गेविटी का प्रतीक होता है। इससे जो रोग शोक है ये सब नष्ट होते हैं, इससे लक का बहुत प्रभाव होता है हमारी जिंदगी में, तो इसको अगर हम लाकर रखें तो इससे बहुत ज्यादा हमारे घर में फायदा होता है। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि नॉर्थ जो है कुबेर का स्थान है, यहाँ पे अगर हम फाउंटेन लाके रखें या हम एक्वेरियम लाके रखेंगे तो आज का दिन इसके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि इस दिन हमको जरूर घर में अच्छे से सफाई करनी चाहिए नमक से पोछा लगाकर, और हमको जो है घी की जोत जरूर जलानी चाहिए सुबह भी और संध्या काल में भी, क्योंकि जो हिरण्यकश्यप ने को मारा गया था वो एकदम गोधूली के समय मारा गया था, तो आज के दिन इस समय जोत जलानी बहुत जरूरी हो जाती है। बिल्कुल, तो कैसे आज के दिन आप पूजा पाठ करेंगे, यानी कि होली के दिन आपको किस तरीके से पूजा विधि को अपनाना है ये हमने जाना। इसके अलावा बहुत जरूरी हो जाता है जब हम होली की बात करते हैं तो होली में मिठास भी होती है, जैसे हमारे पास यहाँ पर गुजिया है मीठे के लिए, जब होली की बात होती है तो रंगों की बात होती है, हमारे साथ अबीर गुलाल हमारे पास यहाँ पर है। अब इन रंगों का महत्व क्या है और कौन सी राशि के लिए कौन सा रंग इस बार लाभदायक होने वाला है? रंजना जी, गुलाबी, लाल, नीले, हरे, क्योंकि बहुत कलरफुल त्योहार है ये और कलरफुल सब उस दिन हो भी जाते हैं, इसीलिए सब सफेद पोशाक पहनते हैं ताकि वो पूरा रंगों से भर उठे। तो इन रंगों का महत्व क्या है रंजना जी? देखिए, हर रंग जो होता है वो हमारी इमोशंस के साथ कनेक्टेड होता है, तो इसी हिसाब से जो हमारे मन में कोई भी अगर ऐसी बात हो जिससे हम परेशान हैं तो अलग अलग रंगों से इससे हमारी जो इमोशंस हैं वो उभरती हैं और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे कि हम देखते हैं लाल रंग जो है वो शक्ति का प्रतीक है। लाल रंग से हम देखते हैं इससे हमारा जो रंग है इससे अध्यात्म भी जुड़ा हुआ है, धार्मिक चीजें भी जुड़ी हुई हैं। लाल रंग जैसे देवी जी का प्रतीक माना गया है, करेज और उत्साह का माना गया है। उसके बाद जो ऑरेंज रंग है इसको हम कहते हैं मॉरल करेज का रंग जो होता है, तो मॉरल करेज के लिए हम जो है ऑरेंज कलर यूज करते हैं।
इसके अलावा जैसे जामिनी रंग होता है वो स्पिरिचुअलिटी का रंग माना जाता है, तो जामिनी रंग भी बहुत ज्यादा बेहतर रहता है। फिर नीला रंग है, नीला रंग जिससे रिलैक्सेशन का प्रतीक है, तो नीले रंग से बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिलती है। अब हरा रंग है वो बहुत हीलिंग कलर है, जैसे हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में भी हमेशा जब सर्जन्स डॉक्टर्स होते हैं वो हरा रंग यूज करते हैं, और जितना हम हरा रंग यूज करेंगे इससे बहुत ज्यादा हीलिंग हमको होगी। अब पीला रंग जो है ये रंग होता है सेल्फ स्टीम का, इसीलिए देखा जाता है कि जितने भी हमारे भगवान हैं हमेशा पीले रंग की धोती ही पहनते हैं, और जब भी हम पूजा पाठ करते हैं हम पीले रंग के फूल ही इस्तेमाल करते हैं जी। अब हर राशि के लिए जो अलग अलग रंग है जो उनके लिए शुभ रहेंगे वो हम आपको धीरे धीरे बता देंगे। बिल्कुल, क्योंकि वास्तु के हिसाब से रंगों के महत्व को जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि वास्तु के हिसाब से इन रंगों का महत्व क्या है और कौन से ऐसे रंग हैं जिनका हमारी जिंदगी पर एक परिवर्तन आएगा, जिनका हमारे जिंदगी में लाभ मिलेगा अगर हम उन रंगों से होली खेलेंगे, अगर हम उन रंगों को अपने शरीर पर अपनी त्वचा पर लगाएंगे तो कितना महत्व और कितना फेरबदल हमारे पूरे लाइफस्टाइल में आ जाएगा। क्योंकि रंगना जी जैसे आपने जिक्र किया रंग वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है, रंग बिरंगी होली है ये, तो इसलिए वास्तु के हिसाब से इन रंगों का महत्व क्या है? वास्तु के हिसाब से हम देखते हैं कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट वाली जगह होती है वहां पे हम हल्का नीला या सफेद रंग लगाने की कोशिश करते हैं, या अपने घरों में भी इसी तरह लगाने की कोशिश करते हैं। और जैसे नॉर्थ ईस्ट से हम साउथ ईस्ट की तरफ जाने लग जाते हैं वैसे ही हल्का गुलाबी, फिर गाढ़ा गुलाबी, फिर मजेंटा रंग हो जाता है, और जैसे साउथ की तरफ निकलते हैं फिर हमारा मरून रंग हो जाता है, ब्राइट रेड कलर हो जाता है, और धीरे धीरे ये रंग जो है एकदम डार्क पर्पल के जैसे हो जाता है, और जैसे ही साउथ वेस्ट की तरफ निकल जाते हैं ये रंग एकदम डार्क पर्पल ब्लैक भी हो जाता है, और इसी हिसाब से जैसे हम वेस्ट की तरफ निकले ये रंग डार्क ग्रीन, और ग्रीन धीरे धीरे होता चला जाता है, एंड जैसे ही वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ आए ये हल्का हरा, हल्का पीला, ऐसे करते करते ये एक बारी फिर जो मर्ज हो जाता है वो व्हाइट और ब्लू की तरफ चला जाता है। तो घर में भी हमको इसी तरह जो है हम अपने सामान रखना चाहिए, और हम कई बार ये सजेस्ट करते हैं जैसे कि जिनके बुटीक्स होते हैं वो भी इसी तरह रंगों को अपने सजा के रखें ताकि इससे इनको बहुत ज्यादा लाभ मिले। बिल्कुल, तो देखिए कैसे आपको लाभ मिल सकता है ये हमने जाना। अब होली इस बार बहुत खास भी है क्योंकि बहुत शुभ मानी जा रही है, लंबे समय बाद कुछ ऐसा संयोग बना है रंजना जी जिसके हिसाब से कहा जा रहा है कि इस बार की होली और भी खास होने वाली है, ऐसा क्यों? इसको ये देखिए ये 7 साल बाद ये संयोग बना है, जो बृहस्पति हैं अपने अच्छे प्रभाव में, जो होली भी है हम बृहस्पतिवार वाले दिन ही मना रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं जो होली जिस दिन मना रहे हैं वो नक्षत्र जो है वो उत्तर फाल्गुनी है जो कि सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य का जो नक्षत्र है वो उन्नति और सम्मान के लिए माना जाता है, तो सूर्य की कृपा पूरे वर्ष हमारे ऊपर सबके ऊपर डेफिनेटली रहेगी। इसके बाद जो होलिका दहन है वो हम देखते हैं वो पूर्व फाल्गुनी वाले दिन हो रहा है, जो नक्षत्र है जो कि शुक्र का नक्षत्र है, जो ऐश्वर्य का नक्षत्र है। तो ये सारे संयोग जो है ये बहुत अच्छे बने हुए हैं, और ये भी देखा गया है कि जो ग्रह है वो सातों स्थान में हमारे पत्रियों में है जो कि वीना योग माना जाता है, और इससे हम देखते हैं कि नाद जो होता है, डांस जो होता है, जितनी भी क्रिएटिव चीजें हैं इसमें बहुत ज्यादा हमको इस साल लाभ मिलेगा। तो शुभ होली में बहुत सारे शुभ बातों की चर्चा करेंगे, बहुत सारे शुभ संकेत आपको बताएंगे और कुछ ऐसे टिप्स आपको देंगे जिससे आपकी ये होली ताउम्र बहुत खुशनुमा रहने वाली है। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में जहां पर हम बात कर रहे हैं होली की, और ये होली इस बार इतनी शुभ क्यों है, आखिरकार ऐसा कौन सा संयोग बन रहा है जिससे ये होली आपके लिए बहुत शुभ होने वाली है, इसके अलावा आपकी राशि के मुताबिक कौन सा कलर आपके लिए लकी रहने वाला है यही हम बताएंगे। इस बार की होली इतनी शुभ क्यों है ये हमने जाना, लेकिन आपकी राशि के मुताबिक कौन सा रंग आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है, और अगर आपको वो रंग पता हो तो यकीनन आप उस रंग को लगाना चाहेंगे, मलना चाहेंगे अपने भी और अपने प्रियजनों के भी। तो चलिए रंजना जी से अब हम जानते हैं कि आपकी राशि के मुताबिक कौन सा रंग इस बार आपके लिए लकी रहने वाला होली पर। रंजना जी कैसे कैसे आप बताएंगी सबको कौन कौन सा जो रंग है वो लकी रहेगा? देखिए हम देखते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए, इनके लिए जो रंग बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा वो होगा लाल रंग। तो इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे, इसको आप यूज करेंगे, औरों पे भी लगाएंगे तो उससे बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। अब इसमें बात है वृष राशि वालों के लिए, उनका जो रंग होगा वो होगा गुलाबी रंग।
गुलाबी रंग बहुत बेहतर है। ये रंग जो होता है अनकंडीशनल लव का रंग होता है, तो इसको अगर आप लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर तो उससे भी बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। उसके बाद आती है मिथुन राशि। अब मिथुन राशि वालों के लिए है हरा रंग। हरा रंग इस्तेमाल करने से आपके लिए बहुत ज़्यादा ही बेहतर रहेगा, तो हरा रंग आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद आती है हमारी कर्क राशि। अब कर्क राशि के लिए जो रंग है वो है हल्का नीला। हल्का नीला अगर आप रंग इस्तेमाल करेंगे या इस रंग के कपड़े पहनेंगे, उससे बहुत ज़्यादा आपको होली का मज़ा भी आएगा और पूरा आप मस्ती से खेल सकेंगे। उसके बाद आ जाती है हमारी सिंह राशि। अब सिंह राशि का जो रंग है वो है केसरिया, ऑरेंज कलर। ऑरेंज रंग जो होता है पूरे पावर का रंग होता है, तो इस दिन आपको ये सूर्य का रंग जो केसरिया होता है वो लगाना चाहिए। उसके बाद आ जाती है हमारी कन्या राशि। कन्या राशि के लिए डार्क ग्रीन कलर माना जाएगा, और डार्क ग्रीन कलर से अगर आप होली खेलेंगी या इस रंग के कपड़े भी पहनेंगी तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। उसके बाद आ जाती है हमारी तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए भी है चटक मजेंटा रंग जो होता है, जिसको हम कई बार रानी कलर भी कहते हैं, तो इस रंग को अगर आप इस्तेमाल करेंगे उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। फिर आ जाता है हमारा स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए है डार्क मरून कलर। डार्क मरून अगर आप यूज करेंगी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। उसके बाद आ जाती है हमारी धनु राशि। धनु राशि के लिए है पीला रंग, और उसके बाद है हमारी मकर राशि, और मकर राशि वालों के लिए है पर्पल कलर, जामुनी रंग, वो इनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ही स्पिरिचुअल कलर है। एंड उसके बाद है हमारी कुंभ राशि, और कुंभ राशि वालों के लिए है नीला रंग, डार्क ब्लू कलर जो होता है वो इनके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल रहेगा। और लास्ट है हमारी मीन राशि, जो धन जो कि बृहस्पति की राशि है, और इनके लिए भी जो है गाढ़ा पीला रंग इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही ज्यादा इनके लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए, ये हमने जाना कि कैसे राशियों के मुताबिक आपका रंग शुभ रहने वाला है, और उस रंग को आप जरूर लगाइए, अपनों के लगाइए, अपने प्रियजनों के लगाइए, और उसके बाद देखिए जिंदगी कैसे रंग बिरंगी आपकी हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा होली इस बार इतनी शुभ क्यों है? दरअसल होली पर कुछ अच्छे संयोग बन रहे हैं, और उनमें से एक अच्छा संयोग है कि इस बार धन समृद्धि की बहुत वृद्धि होने वाली है। तो रंजना जी से हम जानते हैं, रंजना जी इस बार होली में ऐसे क्या उपाय किए जाएं या फिर कैसे टोटके किए जाएं जिससे धन समृद्धि घर में बनी रहे, ऐसे ही जैसे होली हमारा रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, जिंदगी भर साल भर हमारा जो पूरा परिवार है या फिर हम खुद हैं वो ऐसे खुशनुमा बना रहे। देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो जैसे भी कई लोगों को अपने व्यवसाय में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत दिक्कतें आ रही हैं हर समय, तो उनके लिए हम एक बहुत छोटा सा उपाय बताना चाहते हैं। उनको एक नींबू लेना चाहिए, और उसके ऊपर जो फूल वाले चार लौंग होते हैं उनको एकदम चारों तरफ आप लगा दीजिए, और उसके आप अपने सिर के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज सात बारी घुमाइए, और उसको आप होलिका दहन जहां हो रहा है उसको आप सात दफा आप पहले चक्कर लगाइए, और उसके बाद उसको उसमें डाल दीजिए, और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो आप उनके सामने रख दीजिए, तो जरूर जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो आपकी बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। तो चलिए, कैसे आपकी सारी समस्याओं का एक अचूक उपाय रंजना जी ने आपको बता दिया, बहुत जल्द आप इस उपाय को जरूर फॉलो कीजिएगा, अपनाइएगा, ताकि जिंदगी ऐसे ही रंग बिरंगी खुशनुमा बनी रहे। इसके अलावा अरंधना जी, हम देखते हैं इस बार तो नेचुरल कलर्स, ऑर्गेनिक कलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कलर्स के बारे में हमने जाना, लेकिन जो फूलों के साथ होली खेलते हैं उनका तो मजा ही कुछ अलग है। तो ये जो फूलों वाली होली है जिसको हम फूल बिखेर के एक दूसरे पर खेल सकते हैं, उसका क्या महत्व है और कितना खुश है वो, कितनी लाभ है उससे? देखिए फूलों के साथ खेलना बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि फूल जो होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं जी, और जैसे हमने आपको बताया है कि जो रंग होते हैं वे इमोशंस से कनेक्टेड होते हैं, तो जैसे रंग बिरंगे फूल हम एक दूसरे के ऊपर डालते हैं तो जो भी हमारे कहीं पे इमोशनल ब्लॉकेजेस आ रही हैं वो एकदम खत्म हो जाती हैं, और मन में एक उत्साह के साथ सब नेगेटिविटी निकल जाती है, और वो फूलों के साथ हमारे अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा प्रोड्यूस हो जाती है, और उससे हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा शुभ समय आने वाला आ जाता है। चलिए, तो आपका शुभ समय कैसे आएगा ये भी हमने जाना, साथ ही ये होली इस बार इतनी शुभ कैसे है, क्यों है, इसका महत्व क्या है, ये सब हमने आपको बताया। अब बात मिठाइयों की भी कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी त्योहार बिना मिठास के तो भाई फीका है, तो मिठाई की बात होनी चाहिए, और जब मिठाइयों की बात हो रही है तो होली पर स्पेशली हम सब गुजिया बनाते हैं। अब रंजना जी, इसके पीछे क्या कुछ रीजन है? हम अक्सर गुजियों पर फोकस रखते हैं, घरों में गुजिया बननी शुरू हो जाती है, लोग बाजारों से गुजिया खरीदते हैं, तो गुजिया ही क्यों?
गुजिया का बेसिकली ये हो जाता है कि जैसे हम लोग लड्डू भी होते हैं, गुजिया भी होती है, ये बेसिकली होता है कि जो भी जितने भी परिवार वाले हैं, जैसे कि लड्डूज में भी छोटी छोटी बूंदियां होती हैं, इसके अंदर भी हम लोग नारियल डालते हैं। नारियल बहुत ही शुभ प्रतीक माना जाता है, तो इसीलिए चाहे वो लड्डू हो, चाहे वो गुजिया हो, और जो ये मिठास इसमें आती है, वही एक पर्व हो जाता है कि अपनी पुरानी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी कुंठाएं हैं हमारे अंदर, उनको हम भूल जाएं और अपनी जिंदगी में इसी तरह मिठास लानी शुरू कर दें। चलिए, तो कैसे मिठास आएगी आपकी जिंदगी में, कैसे वो खुशनुमा हो जाएगा, ये हमने आपको बताया, और साथ ही इसका महत्व क्या है, कैसे होली के दिन को हम और भी अच्छा बना सकते हैं, ये हमने जाना। साथ ही अबीर गुलाल के साथ आप खेलिए, सारी बुराइयों को भूल जाइए, जिससे भी दुश्मनी है उन सबको गले लगा लीजिए, यकीन मानिए जिंदगी भर बहुत खुशियां बिखेरेंगे आप और आपके प्रियजन। इसलिए हम भी उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से होली मनाएं, सुरक्षित होली मनाएं, अच्छे कलर्स का इस्तेमाल करें, एक दूसरे से दुश्मनी नहीं, एक दूसरे को गले लगाकर मुस्कुराकर शुभ होली, हैप्पी होली कहें। और ऐसे ही हम रंजना जी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे और उनका मुंह भी हम मीठा कराएंगे। रंजना जी, बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं आप सब होली के लिए, और बिना होली गुलाल के तो हो नहीं सकती। अब रंजना जी हमारी खास मेहमान है, तो भाई गुलाल तो बनता है। रंजना जी, आपसे मैचिंग पिंक कलर का गुलाल, ऐसे ही आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हरियाणा न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।